दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पर्सनैलिटी को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कभी वो खुद को रामभक्त के तौर पर दिखाते हैं तो कभी वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम का उच्चारण करते हैं, कभी वो खुद को भगत सिंह का अनुयायी बताते हैं तो कभी खुद को जन्माष्टमी पर कृष्ण का रूप बताकर अपने आप के जन्म का प्रमाण देने की कोशिश करते हैं, कभी कभी वो नरेंद्र मोदी को जी भर गरियाते हैं तो कभी कभी वो नरेंद्र मोदी की तारीफ करने लगते हैं। अरविंद केजरीवाल के चरित्र के ऐसे ऐसे पहलू हैं जो समय के साथ साथ उनके रंग को बदलते जाते हैं। ताज़ा मामला ये है कि दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दे दिया है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने के कारण 5 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में उनका वीडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसको लेकर बीजेपी ने खूब बवाल किया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कथित तौर पर राजेंद्र पाल गौतम पर दबाव डाला और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये अपने आप में हैरान कर देने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का नाम रटती रहती है। दिन रात सुबह शाम उठते हुए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरों के साथ आम आदमी पार्टी अपना चुनाव प्रचार करती है और अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं कि वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर बैकग्राउंड में लगाने वाले अरविंद केजरीवाल को ये गवारा नहीं गुजरा कि उनकी बाबा साहेब की ही लिखी हुई बोली हुई 22 प्रतिज्ञाओं को यदि एक बुद्धिस्ट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जो दलित बैकग्राउंड से आते हैं, वो दोहरा लेते हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, और उस पर जब बीजेपी दबाव डालती है, बवाल खड़ा करती है, तो वो अपने मंत्री के साथ खड़े होने की बजाय उनसे इस्तीफा मांग लेते हैं। ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है कि जो पार्टी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का नाम रटती है, क्या वो वाकई उनके आदर्शों पर चलती है? क्या आम आदमी पार्टी वाकई बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को मानती है? और यदि कोई व्यक्ति उनके विचारों पर चलने की कोशिश करता है तो क्या अरविंद केजरीवाल खुद को जो राम भक्त बताते हैं, हनुमान भक्त बताते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, क्या वो खुद को एक कट्टर हिंदू साबित करने की दिशा में बढ़ते हुए अपने ही मंत्री की बलि लेते हैं? ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी अगर उनके बाकी मंत्रियों के खिलाफ भी इस तरह का प्रदर्शन करती है, उन पर आरोप लगाती है, तो क्या अरविंद केजरीवाल ऐसा ही करते? ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन समेत उनके कई मंत्रियों और विधायकों पर गंभीर भ्रष्टाचार के, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाला के गंभीर आरोप लगे हैं। उनको सीबीआई की रेड पड़ चुकी है। कई मंत्री, सत्येंद्र जैन जैसे मंत्री तो कई हफ्ते जेल में गुजार चुके हैं, उन पर बेहद गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज तक उन लोगों से इस्तीफा नहीं मांगा। उन लोगों के साथ खड़े रहे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। हमेशा जब भी उनके मंत्रियों पर, विधायकों पर छापे पड़ते हैं तो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, बीजेपी उन्हें शिकार बनाना चाहती है, उनके काम को रोकना चाहती है, और वो अपने विधायकों के, अपने मंत्रियों के साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार एक उनके मंत्री ने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिज्ञाओं को दोहराया था, और वो मात्र प्रतिज्ञाएं नहीं है बल्कि ब्राह्मणवाद बनाम अंबेडकरवाद की सीधी सीधी जंग है। और अंबेडकरवाद और ब्राह्मणवाद के बीच में जब झड़प होगी, जब टक्कर होगी, तो अरविंद केजरीवाल किधर खड़े होंगे? अगर अरविंद केजरीवाल को, जो खुद को रामभक्त बताते हैं और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी भी बताते हैं, वो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि वो बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाने के लिए, हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए, हर व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल के सामने ये ऑप्शन अवेलेबल हो कि आपको राम और अंबेडकर में से एक को चुनना है, तो आप यकीन कीजिए अरविंद केजरीवाल राम को ही चुनेंगे, क्योंकि इस मामले में उन्होंने ऐसा ही किया। इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने राम को चुना और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को छोड़ दिया, उनके विचार को छोड़ दिया। इसीलिए शायद अपने मंत्री, जो कि एक बुद्धिस्ट बैकग्राउंड के हैं और खुलेआम वो अपने बाबा साहेब के मिशन के लिए काम करते हैं और अपने काम को भी करते हैं, जो उनके प्रशासनिक काम है उनको भी निपटाते हैं, ऐसे वक्त में वो उस मंत्री के साथ खड़े नहीं हुए जो बाबा साहेब का सच्चा सिपाही होने का दावा कर रहा है, बल्कि उन्होंने गुजरात
रात में इस तरह के बयान दिए कि भगवान के बारे में कुछ मत बोलिए, उनके बारे में आप शब्द मत लिखिए, जो बोलेगा वो बच नहीं पाएगा, इस तरह के बयान दिए। और ये भी कहा कि मेरा जो जन्म है वो जन्माष्टमी पर हुआ था, कंस को मारने के लिए हुआ है। तो एक तरीके से उन्होंने कृष्ण का अवतार खुद को घोषित कर दिया। अरविंद केजरीवाल मंझे हुए खिलाड़ी राजनीतिज्ञ की तरह पल पल पर हर साल एक नई आइडियोलॉजी बदल रहे हैं। आपको याद होगा जन लोकपाल बिल जब आया था तो महात्मा गांधी की बड़ी सी तस्वीर लगाकर वो अन्ना को ले आए थे और कहा गया था कि अन्ना नहीं ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। इस तरह की बात अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने की थी। और जब वो सरकार में आ गए, सत्ता में आ गए, तो महात्मा गांधी की तस्वीर दीवारों से हट गई और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीर जो है वो पंजाब के सरकारी दफ्तरों में और दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में लगा दी गई। ये कहा गया कि दिल्ली में क्योंकि दलित आबादी बहुत ज़्यादा है और पंजाब में 32% दलित आबादी है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में दलित समाज के लोगों ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया और इस भरोसे पर कि वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं उन पर भरोसा किया और अपना वोट उन्हें दिया। लेकिन बदले में अरविंद केजरीवाल ने उन्हें क्या दिया? ये अगर राजेंद्र पाल गौतम जो मंत्री हैं वो अगर किसी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होते, व्याभिचार के आरोप में उनसे पद जो है वापस लिया जाता, तो किसी को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। लेकिन ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को दोहराने के कारण उनका इस्तीफा लिया गया है, इसलिए इसे सीधे सीधे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर एक हमले के तौर पर देखा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मणवाद बनाम अंबेडकरवाद की लड़ाई है उसमें अरविंद केजरीवाल ने ब्राह्मणवाद के पक्ष में खड़ा होना चुना। वैसे अरविंद केजरीवाल खुद की जाति बताने में हिचकिचाते नहीं हैं, लगातार वो इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि वो बनिया हैं, अपनी जाति का वो ढोल पीटते रहते हैं। मनीष सिसोदिया पर जब छापा पड़ा तो मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं राजपूत हूँ, सर कटवा लूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, अपनी जाति पर ही घमंड। और पूरी आम आदमी पार्टी की आप कार्यकारिणी को देखिए, उनके टॉप जो पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं उनको देखिए, सारे के सारे सवर्ण, एकमात्र उसमें दलित चेहरे के तौर पर, बाबा साहेब के अनुयायी के तौर पर राजेंद्र पाल गौतम का चेहरा, जो अपना मंत्री पद संभालते हुए भी मिशन जय भीम का काम करते रहे और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए वो काम करते रहे, ऐसे में अरविंद केजरीवाल उस मंत्री के साथ खड़े नहीं हुए। उन्होंने गुजरात इलेक्शन के लिए अपने मंत्री की बलि दे दी। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि गुजरात इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ही बीजेपी के दबाव में उन्होंने अपने मंत्री की बलि दे दी और उनको ये उम्मीद है कि गुजरात में इसका शायद सवर्ण जो हिंदू वोटर हैं वो उनको वोट देंगे और इसका फायदा होगा। लेकिन मैं भी 12 दिन गुजरात में बिता कर आया हूँ, आम आदमी पार्टी की हलचल जरूर थी लेकिन इस प्रकरण ने, राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे ने और वो भी बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों की वजह से, ये दलित समाज में अविश्वास भेज दिया है कि अरविंद केजरीवाल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और अब मैंने कई वहां लोगों से बात की, उनका ये कहना था कि अब हम ये इसको बाबा साहेब के अपमान के तौर पर देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया है। उनमें इतना साहस नहीं था, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के साथ खड़े हो सकते, एक मजबूत स्टैंड ले सकते, अपने मंत्री के साथ खड़े होते और ये कहते कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, जिन्होंने इस देश में न्याय, समता, बंधुता की बात की, उनके विचारों के साथ मैं खड़ा हूँ और मैं अपने मंत्री से इस्तीफा नहीं लूंगा। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए, इसलिए अरविंद केजरीवाल को अगर राम और अंबेडकर में से किसी को चुनना होगा तो सीधे सीधे वो राम को ही चुनेंगे। आपका इस पूरी मसले पर क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखें और इस मामले पर भी आप अपनी राय जाहिर करें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।